हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज, जो कि ऑफिस वर्क में बहुत यूज़ किया जाता है और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं बहुत। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने बहुत सारा डेटा ले लिया है। ये तो छोटा डेटा है, काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। अगर मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर डेटा को निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखते हैं। सबसे पहले आइए इंसर्ट में एंड पाइवट टेबल देखिए। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए और एग्जिट वर्कशीट पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक करके लोकेशन पर आप इसकी लोकेशन चूज़ कर लीजिए जो लेनी है आपको, और देन ओके कीजिए। आपका सारा डेटा यहाँ आ चुका है। देखिए, अब आपको जो डेटा, जिसका डेटा निकालना है आप वो निकाल सकते हो। मुझे सबसे पहले नेम चाहिए तो नेम पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ सबके नेम आ चुके हैं। देखिए, अब मुझे जिस पर्सन का डेटा चाहिए उस पर्सन का मैं चूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे रेट चाहिए, अब रेट निकाल लेता हूँ मैं, या टोटल अमाउंट चाहिए तो टोटल अमाउंट निकाल सकते हो हर पर्सन का। देखिए, और आइटम चाहिए तो आइटम निकाल सकता हूँ मैं, उस पर्सन ने क्या क्या ख़रीदा है, तो सारी डिटेल्स आ जाएगी आपकी। इसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से जिस पर्सन का डेटा निकालना है, पहले सेलेक्ट ऑल हटा दीजिए। अब मुझे निकालना है अलीबा, तो मैंने अलीबा लिखा, देन सेलेक्ट पे से हटा दिया, अलीबा पे ओके किया। ओके, तो सिर्फ अलीबा का अमाउंट आ जाएगा आपका। तो इस तरह से मैं किसी पर्टिकुलर डेटा को निकाल सकता हूँ पाइवट टेबल की हेल्प से।